नमस्ते टीआई एंड एंटरटेनमेंट से, मैं आपको दूसरा आपको एपिसोड का मशीन का पिक्चर और इंस्टॉलेशन से लेकर हर एक चीज़ समझाऊंगा और कैसे इसमें सब कुछ फिलिंग होगा आपको पूरी तरह से बताया जाएगा। मैंने पहला एपिसोड में इंट्रोड्यूसन किया था और दूसरा एपिसोड में मैं जैसे कैसे चाय कॉफ़ी बन के तैयार होगा, कैसे प्लगिंग करेंगे, कैसे पानी डालेंगे, मैं आज सारा चीज़ आपको बताऊँगा। तो काइंडली इसको ध्यान से देखिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा टीआई एंटरप्राइज। पहले इसका हम लोग इंट्रोड्यूसिंग करेंगे कि ये 15 एम्पेयर का आपका प्लग पॉइंट है। ये कॉफी मशीन में, हर कॉफी मशीन में आपको 15 एम्पेयर का मिलेगा। तो जब हम मशीन को स्टार्ट करेंगे तो पहले प्लग को तो हम लोग कुछ करेंगे नहीं, पहले हम लोग प्लग अंदर लगाएंगे नहीं, पहले हम लोग प्लग को ऐसे साइड में रखेंगे, पहले लाइन नहीं दीजिए क्योंकि जब तक पानी नहीं डाला जाएगा प्लगिंग नहीं किया जाता है। तो आप पहले बबल टॉप जो भी मशीन होगा, तो पहले आप इसको बोतल को पहले इसे पकड़िए, बोतल या थम्सअप ले सकते हैं आप, 20 लीटर भी ले सकते हैं। 20 लीटर जाए तो थोड़ा बहुत करो, 20 लीटर ये जा रहा है 20 लीटर का, आप इसको भी दे सकते हैं। ये बबल टॉप मशीन इसी के लिए बना हुआ है, बट जिनका 150 कप यूज डेली होता है, 50 से 60 कप, या ये बोतल थम्सअप का दे सकते हैं। इसमें क्या होता है, ये नोजल हवा नहीं बनाता है, इसमें थोड़ा कुछ करो और हम लोग इसको इस तरह से पकड़ेंगे इधर, ताकि मतलब उनके अंदर फ्लो गिरे ना। आप देखते रहिए धीरे से और हम किस तरह से इसको डाल रहे हैं, बस इसको इसे पुक कर दीजिए। देखिए बबल टॉप अपना काम शुरू कर दिया, बबलिंग 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 चालू हो गया। सो धीरे धीरे मशीन पानी अब्जॉर्ब करेगी, अब्जॉर्ब करने के बाद जब पानी लेना बंद कर देगी, एक मिनट के लिए थोड़ा सा वेट कीजिएगा, 30 सेकेंड। अभी भी देखिए पानी ले रही है, ध्यान से देखिए इसको, अभी भी बबल हो रहा है। ये देखिए हम लोग का ये जो मशीन है पानी लेना बंद कर चुका है, बबलिंग अब नहीं हो रहा है, इससे पता चलता है अभी पानी पूरा ले चुका है। एक मिनट हो चुका है पानी मतलब इसको डालने से। ये मिनिमम 4 लीटर आपका लेगा, अगर 4 ऑप्शन है 4 लीटर, 4.5 लीटर जा सकता है, और 2 ऑप्शन में 3 ऑप्शन रहेगा जिसमें चाय और कॉफी और लेमन टी रहेगा, वो 3.5 लीटर से 3 लीटर लेगा, और 2 ऑप्शन 2.5 लीटर से 2 लीटर लेगा। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि कौन कितना कैपेसिटी का मशीन परचेस कर रहे हैं, उसी हिसाब से इसका बोतरी डालेंगे। तो आप 20 लीटर भी दे सकते हैं, वो आप ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या देते हैं। जब पानी उन्हें लेना खत्म बंद हो जाए तो सोचिए कि हमें मशीन पानी अब नहीं लेगा। तो हम लोग इसको 15 एम्पेयर का प्लग पॉइंट, 15 एम्पेयर का प्लग पॉइंट है, इसको हम लोग स्विचिंग करेंगे। स्विचिंग करेंगे, आइए देखते हैं। ये देखिए हम लोग स्विचिंग कर रहे हैं, क्या अब मैं ऑन कर दूंगा गेट को देखा, तो मैंने प्लगिंग स्विच ऑन कर चुका हूँ। अब आप देखिए ये स्विच ऑफ, अब मैं इसको ऑन कर रहा हूँ, ये डिस्प्ले में लाइट आ गया। प्लीज वेट, तभी 14 डिग्री है, धीरे धीरे टेम्परेचर लेगा, 5 मिनट बाद मशीन पूरी तरह से रेडी हो जाएगा। गर्म हो रहा है तब तक मैं आपको इसका पाउडर का फिलिंग का मैं तरीका बता रहा हूँ, कैसे इसको पाउडर को फिलिंग किया जाता है और कैसे मतलब जार को भरा जाता है, फिर कैसे कुकिंग किया जाता है, वो मैं आपको सब सिखाऊंगा। तो आपको कुछ करना नहीं है, बस इसको गेट को ओपन कीजिएगा, ये आपका नोजल इस तरह से रहेगा, मैं आप सॉरी वो नोट पहले से था, ये नोजल इस तरह रहेगा। आपने क्या करना है, ये नोजल को थोड़ा सा ऊपर कर लीजिएगा, ऊपर करने के बाद फिर ऐसे जार को ऐसे निकालिएगा, आराम से निकालना, कुछ बेसिस है नहीं, यही पैकेट में सब कुछ, एवरीथिंग टू बी मिक्स, जस्ट लाइक मिल्क शुगर एंड फ्लेवर्स कॉफ़ी सब कुछ मिक्स है। बस 1 kg का इंस्टेंट कॉफ़ी इसको बोलते हैं, इसमें कुछ अलग से आपको एक्स्ट्रा देना नहीं होगा। इसको फाड़ के हम लोग इसका ढक्कन खोलेंगे, इस तरह से खोलेंगे, खोल के फाड़ने के बाद इसको उससे डालेंगे, डालने के बाद इसके बाद हम लोग उसका क्या करेंगे, उसको बंद कर देंगे। सब कुछ मतलब हम लोग इसमें इंटर कर चुके हैं, अब मैं इसको धीरे से दिखा रहा हूँ कि कैसे इसको इंस्टॉल किया जाएगा। ये चीज़ देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये जो चीज़ होता है ये मोटर के अंदर जाएगा, ये मोटर में जाएगा,
और ये सामने इधर एक निकला हुआ है, ये चीज इसमें आएगा, ये जो बनाया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरह से पकड़ के फिर धीरे से इसको इसके हाथ पकड़ के से धीरे से इसको ले जाएंगे, इसको इंटर कर देंगे। फिर ये चीज को हम लोग को घुमाना है, ऐसे घुमाएंगे, आप देख रहे हैं, ठीक है। अब ये आपका मशीन में पाउडर डाला गया है, पूरी तरह से अब रेडी है, अब आप इसको यूज कर सकते हैं। पहले हम लोग को देखना होगा हमारा पानी गर्म कितना हुआ, 51% हो गया है, थोड़ा सा वेट कीजिए, 51 से मिल जाएगा, एफ 75 अप्रॉक्सीमेट जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर हो चुका है धीरे धीरे, तो 2 या 3-4 पे जाकर ये मशीन पूरी तरह से रेडी हो जाएगा। रेडी होने के बाद, रेडी होने के बाद ये पानी यहाँ से फ्लैश होगा, आप इसको देखते रहिए। मशीन में पूरी तरह से पानी इसका गर्म हो चुका है और आप देख सकते हैं इसे मेक योर चॉइस लिखा हुआ है, सो रेडी है अभी, ठीक है। तो मैं इस कप को यहाँ पे रख देता हूँ, बनाया हुआ है स्लैब, ओके। आप ये बटन को धीरे से प्रेस कीजिएगा, बस कॉफी का बटन, देखिए एकदम तैयार होकर आ रहा है। मैं आपको अभी एक थोड़ा ऐसे डायरेक्ट दिखाया डोर लॉक, अब मैं आपको दिखाता हूँ गेट ओपन करके कैसे इसमें बॉयल में मिक्सिंग होता है और कुछ कैसे ये तैयार होता है कॉफ़ी। सो एक बार आइए, ओके, ये देखिए मैं इसका मशीन का डोर खोल चुका हूँ, आप इसका जार दे सकते हैं, इसमें कॉफ़ी है जो कि सब कुछ मिक्स है, इसको बोलते हैं इंस्टेंट कॉफ़ी। अब बहुत से लोग को लोगों को पता नहीं रहता है कि भाई दूध अलग शायद होता है, तो सो इसमें कोई दूध वूध नहीं रहता है, इंस्टेंट कॉफ़ी प्रीमिक्स है, दूध के लिए अलग मशीन आता है, वो अलग रहता है, ये अलग चीज़ है। और सबसे ईजिएस्ट और सबसे सस्ता चीपेस्ट बेस्ट क्वालिटी के साथ ये मशीन हमको अच्छा लगता है, मेरे हिसाब से अगर हमें अगर प्रीफर करना चाहो तो इस मशीन को प्रीफर करूँगा। सो आप देखिए ये जार है, ये मिक्सिंग यूनिट है, इसमें मिक्सिंग यूनिट होता है, सबसे ज़रूरी चीज़ होता है कि इसी का मिक्सिंग यूनिट कितना पावरफुल है, तो आप मेरा मिक्सिंग यूनिट काफ़ी पावरफुल है, तो आप देख सकते हैं। मैं इसको ग्लास को मैं यहाँ रखता हूँ, अब आप देखिए मैं मशीन का बटन ऑन कर रहा हूँ, आप देखिए मिक्सिंग यहाँ पर मिक्सिंग हो रहा है, मिक्सिंग होकर देखिए कैसा तैयार हुआ अपना कॉफ़ी। कॉफ़ी का देखिए बिना भी हो गया, चॉकलेट पाउडर डाल दीजिए, आराम से उसको पीजिए, सब कुछ तैयार हो गया, ना दूध देना पड़ा ना कुछ देना पड़ा, आराम से तैयार हो गया। सो इतना फायदेमंद है ये चीज़, आज आपको पता चलेगा। अब मैं टेस्ट कर रहा हूँ इसको आपके सामने, सुपर कॉफ़ी का डिश, हमको लगता है आप हाथ से भी ऐसा नहीं बना सकते, सो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। मेरा नंबर मेरे वीडियो में शो कर रहा है, व्हाट्सएप नंबर सब कुछ, आप मुझे कॉल करिए, आप डायरेक्टली मेरे से बाई कर सकते हैं, हमसे सभी लोग लेके जाते हैं इंडिया से, कई कोने से भी लेते हैं, तो आप इस चीज़ को देखिएगा और जरूर आपको बेनिफिट हो सकता है। एंड फिर से मैं एंटरटेनमेंट से मैं बोल रहा हूँ, तो मैं अभी चाय कॉफ़ी पिया, सॉरी कॉफ़ी मैंने पिया, काफ़ी बेस्ट क्वालिटी का बना। सो मैं आपके लिए इतना मेहनत नहीं किया, मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया मैं मशीन को कि कितना बेनिफिट हो सकता है, आपको आज पता चल रहा है। तो सो आप ऑफिस वाले हैं तो उनको भी बहुत बेनिफिट है, वो 10-20 तो कोई भी गेस्ट आ जाता है तो वो चाय मंगाओ तो क्या है कि चाय बनाओ उसमें भी टाइम लगता है, ये आपका रेडी रहेगा। इसमें ये जो पाउडर डाला जाता है एक महीना तक आप रख सकते हैं, कोई ख़राब नहीं होगा पाउडर, और जब चाहेंगे तब गर्म चाय मिलेगा, सबसे बड़ी बात यही है। 40-50 कप जहाँ भी यूज़ होता है, गाँव में छोटा मोटा प्रोग्राम में, घरों में महिलाएं परेशान रहती है भाई चाय बनाओ, वो गेस्ट आ गया ये गेस्ट आ गया, तो कितना बेनिफिट है महिलाओं के लिए, वो टेंशन खत्म, कोई प्रोग्राम हो रहा है, शादी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, सबके लिए बेनिफिट है। तो चीज़ इसको देखिए, ज़रूर आपको गाँव से लेकर हर जगह ये बेनिफिट है। हम आपको जो मशीन प्रोवाइड करेंगे कोलकाता से प्रोवाइड करेंगे, आप जब चाहे आप हमारे एड्रेस में हम आपको लिंक दे देंगे, मैप में अपने डिस्क्रिप्शन में, तो आप मेरे डायरेक्ट मेरे एड्रेस में आ सकते हैं, मेरा हावड़ा स्टेशन से लीलवा स्टेशन आता है, लीलवा स्टेशन से आप मुझे फ़ोन करें या मेरा एड्रेस बोलेंगे तो मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा या डिटेल आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो कभी भी आप आके हमारे मशीन को देख भी सकते हैं, यहाँ से परचेज भी कर सकते हैं, और मतलब बल्क में लेंगे तो अच्छा डिस्काउंट भी आपको मिलेगा, ऐसा डिस्काउंट कि आप मेरे से प्रोडक्ट लेकर आप और भी अगर जगह पर बिजनेस भी कर सकते हैं। तो मैं PI इंटरप्राइज इंटरटेनमेंट, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ मेरा सब्सक्राइब कीजिए और पेज को जरूर लाइक कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।
नेक्स्ट वीडियो में मैं मशीन से रिलेटेड और सर्विस से रिलेटेड मैं और भी क्वेरी आपको सॉल्व करूंगा। अपने कमेंट में भी मेरे पास डाल सकते हैं जो भी आपका समस्या प्रॉब्लम हो। और दूसरा चीज, मैं एक ऐसा वीडियो अपलोड करूंगा एकदम लाइव जियो की कोई शॉप हो या ऑफिस हो जो कहीं इंस्टॉलमेंट इंस्टॉल होता हो, मैं वहां का एक लाइव वीडियो बनाऊंगा आपको, वो भी मैं अपलोड करूंगा। आप वो वीडियो देखिएगा कैसे मैं कस्टमर के साथ डील करता हूँ और कैसे कस्टमर के पास मैं मशीन को इंस्टॉल करता हूँ। एक मैं वीडियो आपको जरूर बनाऊंगा, बेस्ट वीडियो, तो आप वीडियो मेरा देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।